तरीके पर ऐतराज, तरीका है वो ठीक नहीं। कोई नक्सलाइट थोड़ी पकड़ने आए थे वो, अगर बता देते थाने को, पहले नहीं बताया तो बाद में बता देते कि तरीका क्या है, ये ऊहापोह की स्थिति पैदा करें। अब आप रात में 3 बजे सर्दी में सन्नाटे में आए कि कल को कोई पुलिस के नाम पे कोई भी घुस जाएगा, तरीका ठीक नहीं है। लेकिन सर महात्मा गांधी के खिलाफ भी तो बोला था, इसलिए तो केस लगा था, जमानती धाराएं थी, नोटिस भी दे सकते थे, कोई बना थोड़ी कर रहा है, गलती की तो अपराध किया तो उस पर केस लगा। आपकी पुलिस को सूचना थी? नहीं, मैं वही तरीके की बात कर रहा हूँ, जो तरीका अपनाया वो ठीक नहीं था, पहले नहीं दी तो बाद में दे देते। हालांकि ऐसे कोई संगीन अपराधी को पकड़ने नहीं आए थे वो। अब क्या करेंगे सर? मैंने अपने डीजीपी को कहा है कि वहाँ विरोध दर्ज कराए वहाँ के डीजीपी से। राज्य के नियमों का उल्लंघन हुआ है, नरोत्तम मिश्रा का आरोप है कि जानकारी नहीं दी गई मध्य प्रदेश को। मुझे इस बात का संतोष है, जो मैंने जनता से वादा किया था उसे गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति कितना बड़ा क्यों न हो। गांधी जी जो सत्य अहिंसा सर्वोदय और समानता के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे महात्मा के लिए जो अपशब्द कहे गए थे, उसे गिरफ्तारी हुई, इस बात का मुझे संतोष है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने गांधी के खिलाफ टिप्पणी पर कोई निंदा नहीं की है, और जब कालीचरण की गिरफ्तारी हुई तो अचानक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री प्रकट होते हैं। मैं नरोत्तम मिश्र जी से पूछना चाहता हूं कि कालीचरण की गिरफ्तारी से प्रसन्न है कि दुखी है? सवाल इस बात का है, प्रक्रिया की बात है तो उसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। 24 घंटे के भीतर में कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उसके परिवार वालों को भी बता दिया गया था, उसके वकील को भी बता दिया गया था। वकील को आपत्ति नहीं है तो गृहमंत्री क्यों आपत्ति होना चाहिए? लेकिन नरोत्तम मिश्रा फिर बयान दे क्यों रहे इस तरह का? इसका मतलब यह है कि मुंह में राम बगल में छुरी। गांधी की बात करते हैं लेकिन कोर्ट से मुर्दाबाद नहीं कर सकते। गांधी स्वीकार करने की बात करते हैं लेकिन कोर्ट से मुर्दाबाद की बात नहीं करते, करके बताए। तो यही जो नफरत फैलाने वाली, जहर फैलाने वाले लोग हैं, उसको पीठ पीछे ये लोग पर्दे के पीछे बढ़ावा देते हैं और उसी कारण से ऐसे लोगों का हौसले बढ़ते हैं। कालीचरण की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में हुई, आपने बार बार दावा किया था, नेशनल मीडिया में भी बार बार दावा कर रहे थे कि कालीचरण की गिरफ्तारी तुरंत हो जाएगी और हुई भी। क्या मध्य प्रदेश पुलिस से किसी तरह का सहयोग लेने की कोशिश आप लोगों ने नहीं की? आपने कहा कि नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है। पूरी कार्रवाई छत्तीसगढ़ की पुलिस की थी या मध्य प्रदेश की पुलिस से आप लोगों ने सहयोग लेने की कोशिश की थी? ये सवाल तो उस समय भी उठाया जाना चाहिए जब उत्तर प्रदेश के अपराधी मध्य प्रदेश में पकड़े गए या बिहार में पकड़े गए, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया? आज ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्यों नहीं चाहते थे? क्या नहीं चाहते हो कालीचरण की गिरफ्तारी हो? सवाल तो इस बात का है। अंतिम सवाल करूंगा, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह का धर्म संसद, जिस तरह से कालीचरण ने महात्मा गांधी के खिलाफ बयान दिया, छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हुआ था, आने वाले वक्त में इस तरह के धर्म संसद के आयोजन से पहले सोचा जाएगा कि इस तरह का बयान न हो? देखिए, धार्मिक आयोजन पे रोक बिल्कुल नहीं लगाएंगे, लेकिन आयोजन की बात नहीं, लेकिन इस तरह के लोग अगर बयान देते हैं उन पे नजर रखी जाएगी, इस तरह से मामला तूल नहीं पकड़ेगा, सरेआम महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया जाता है। तो यदि अमर्यादित बयान देंगे तो जैसे कालीचरण जी को पकड़ा गया उसी प्रकार से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।